अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मेरा नाम फारूक अहमद है। पिछली क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था? नॉर्मेलिटी या फिर तबीयत तक पढ़ा था। तो वो क्या कहाँ कहाँ तक पढ़ चुके अपन? मोलैरिटी हो गया, नॉर्मेलिटी हो गया और मोलैलिटी हो गया। अब क्या क्या पर है ये? फीसद कमियत। ये इर्तकास का क्या है? ये तीसरा पैमाना कौन सा है? ये फीसद कमियत। इसके लिए क्या है, इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं इसको? मास परसेंटेज। इसका जाप्ता क्या है? महलूल में मुनहिल की कमियत बटा महलूल की जुमला कमियत। क्योंकि ये फीसद है इसीलिए हम क्या ले रहे हैं यहाँ पर? इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्योंकि फीसद आया बोल के इससे क्या कर रहे हैं यहाँ पर? 100 से इसको जरब दे रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट फीसद हजम क्या है? वॉल्यूम परसेंटेज, वी बाई वी, महलूल में मुनहिल का हजम। ये जो ऊपर का जो है न्यूमरेटर जो रहेगा वो क्या है? वो मुनहिल की तादाद को जाहिर करता, और ये जो नीचे का डिनोमिनेटर है वो क्या जाहिर करता है? महलूल का जुमला हजम या जुमली का जुमला कमियत को जाहिर करता। तो ऊपर वाला मुनहिल का है, नीचे वाला पूरे महलूल का है। इसी वजह से क्या हुआ? महलूल में मुनहिल का हजम बटे महलूल का जुमला हजम इंटू 100 क्यों लिए? क्योंकि यहाँ पर फीसद है। फिर उसके बाद और एक नया टर्म आया, पार्ट्स पर मिलियन या फिर पार्ट्स फी मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। उसको सिंपली क्या हो रहा है? पीपीएम बोल रहे हैं। जब ऐसे महलूल का, ऐसे मुनहिल का इर्तकास मालूम करना जो बहुत ही खलील मकदार में मौजूद है, उसके लिए फीसद कमियत, फीसद हजम, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, ये इस्तेमाल करने के बजाय क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? पार्ट्स पर मिलियन। बहुत ही खलील मकदार में मौजूद है मुनहिल, क्या है? बहुत ही खलील मकदार में मौजूद है, उसके लिए क्या इस्तेमाल कर रहे हैं पैमाना? पार्ट्स पर मिलियन। उसमें क्या है? महलूल में मुनहिल के जुज की तेदाद बटा महलूल में तमाम अज्जा की तेदाद इंटू, क्योंकि यहाँ पर मिलियन का वर्ड इस्तेमाल हो रहा, इसीलिए इसको क्या करें? 10 to the power 6, 10 के ऊपर 6 की कदर से इसको क्या करें? जरब दे रहे। तो ये क्या था? ये थोड़े इर्तकास के पैमाने थे। अब नेक्स्ट आने वाला है कसरी मोल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कसरी मोल राउल्ट ला क्या करा? कसरी मोल की मदद से अपना कुलिया बयान। तिमी कसर या फिर कसरी मोल, उसको किससे जाहिर कर रहे हैं? एक्स से जाहिर कर रहे हैं। उसको किससे जाहिर कर रहे हैं? एक्स से। ये कसरी मोल क्या है? किसी भी महलूल में, फर्ज करो एक महलूल है, इसमें ए है और बी है। ए क्या है? मुनहिल। बी क्या है? मोहले। एक महलूल बना, ए मुनहिल है और बी मुनहिल मोहले है। तो ए और बी है, यहां पर एन ए क्या है? एन ए क्या है? मुनहिल्स के मोल की तेदाद। एन बी क्या है? मोहलेल के मोल्स की तेदाद। तो ये कसरी मोल क्या है? एक कसर है या फिर एक निस्बत है। किसके किसके बीच में निस्बत है? ये मुनहिल के मोल्स की तेदाद और महलूल में मौजूद जुमला मोल्स की तेदाद के दरमियान की निस्बत को क्या बोल रहे हैं? कसरी मोल। कसरी मोल क्या है इसका डेफिनेशन? ये मुनहिल के मोल्स की तेदाद या फिर महलूल में से किसी एक जुज के, किसी एक जुज के मोल्स की तेदाद और जुमला महलूल में जुज की अज्जा की तेदाद की कसर को या निस्बत को क्या बोल रहे हैं? कसरी मोल बोल रहे हैं। तो अब यहां पर इससे मालूम होगा, फर्ज करो एनडीए क्या है? ए के मोल्स की तेदाद। एनबी क्या है? बी के मोल्स की तेदाद। ए और बी ए मुनहिल है, ये एन ए और एन बी मोल्स की तेदाद है। तो अब यहां पर इसका डेफिनेशन क्या बना? इसका कसरी मोल का डेफिनेशन क्या है? कसरी मोल का डेफिनेशन, किसी भी जुज के एक मोल की, एक मोल की तेदाद और उसके क्या जुमला मोल्स की तेदाद में पाए जाने वाली निस्बत को क्या बोल रहे हैं? कसरी मोल बोल रहे हैं। तो इससे अपने को फॉर्मूला बना सकते हैं अपन। सपोज एक्स ए, एक्स ए क्या है यहां पर? मुनहिल का कसरी मोल। एक्स ए क्या है? मुनहिल का कसरी मोल। कैसा बना इसको? मुनहिल के मोल्स की तेदाद बटा
महलूल में जुमला मोल्स की तदा। ये अच्छा ना, एक से क्या है मुनहिल का कसरी मोल मालूम कर रहे हैं, तो मुनहिल के मोल्स की तदाद बटा महलूल में मौजूद जुमला मोल्स की तदाद। तो यहां पर एक्स ए इज इक्वल टू क्या बना, मुनहिल के मोल्स की तदाद क्या है, मुनहिल क्या है इसके अंदर ए है, ए के मोल्स की तदाद क्या है एन ए बाई जुमला मोल्स कितने यहां पर, एक महलूल में क्या क्या है मुनहिल है और महलूल है, मोहलिल है, दोनों भी क्या है एन ए प्लस एन बी, ये किसका बना मुनहिल का कसरी मोल। सपोज इसको इक्वेशन वन। उसी तरीके से एक्स बी इज इक्वल टू क्या है मोहलिल का कसरी मोल, वो कैसा बन रहा सेम फार्मूला एन बी मोहलिल के मोल्स की तेदाद बटा महलूल में जुमला मोल्स की तेदाद, वही है एक्स बी इज इक्वल टू एन बी बटा एन ए प्लस एन बी। इसको इक्वेशन टू, क्योंकि यहां पर महलूल में दोनों दो अज्जा है ना, एक मुनहिल है और एक महलूल है, तो आप क्या करेंगे अपन एक्स ए प्लस एक्स बी, ये क्या है मुनहिल का कसरी मोल, ये क्या है मोहलिल का कसरी मोल, क्योंकि महलूल में ये दोनों मौजूद है, तो अब इसको जब क्या करेंगे एक्स ए क्या है एन ए बाई एन ए प्लस एन बी प्लस एन बी बाई एन ए प्लस एन बी। तो एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी बाई एन ए प्लस एन बी, ये छुआ ना क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम सेम आता, ये दोनों प्लस आते, तो ये एन ए प्लस एन बी, ये एन ए प्लस एन बी कैंसल हो गए, तो एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू कितना आया आंसर वन। तो कसरी मोल क्या है मुनहिल के तेदाद और जुमला मोल्स की तेदाद, या फिर मोहलिल के तेदाद या मोहलिल के मोल्स की तेदाद का कसर है या निस्बत है, वो दोनों का जो निस्बत है वो किसके बराबर आना, वो इकाई के बराबर आना या एक के बराबर आना। तो इससे हम और एक फॉर्मूला भी ले सकते हैं एक्स ए इज इक्वल टू वन माइनस एक्स बी, किसी एक का भी अगर कसरी मोल मालूम हो गया तो ऑटोमेटिकली दूसरे का कसरी मोल हम मालूम कर सकते हैं। तो ये क्या था, ये कसरी मोल का डेफिनेशन या कसरी मोल के बारे में था ये। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर हल पजेरी, नेक्स्ट टॉपिक है माया में गैस की हल पजेरी या फिर सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड या हल पजेरी। हल पजेरी इसके ऊपर असरअंदाज होने वाले अवामिल क्या है इसके ऊपर जो अफेक्ट कर रहे हैं, माया में गैस की हल पजेरी में फर्स्ट पहला वाला उसका क्या है फैक्टर है या पहला वाला अवामिल है माया की नौइयत। माया की नौइयत से मुराद क्या है यहां पर, अगर दो खुतबी खुतबी माया खुतबी गैस गैस की नौइयत या फिर नेचर ऑफ गैस, क्या है यहां पर पोलार गैस डिजॉल्व इन पोलार सॉल्वेंट का मतलब क्या है, खुतबी मोहलिल में हल पजीर होती है, क्या है खुतबी गैस मतलब क्या इसका, खुतबी गैस खुतबी मोहलिल में हल पजीर होती है। खुतबी का मतलब क्या है, जैसा कि HCl है,
HCl चूंकि खुद भी मॉलिक्यूल या पोलार मॉलिक्यूल है, पोलार गैस है या खुद भी गैस है, क्यों उसकी खुद भी बोल रहे हैं, क्योंकि ऐसा मुरक ऐसा सालिमा जिसके अंदर दो खुतुब तैयार हो जाना उसको क्या बोल रहे हैं, खुद भी बोल रहे हैं, क्योंकि क्या क्लोरीन की बरखी मनफियत क्या है यहाँ पर ज्यादा है, क्लोरीन की बरखी मनफियत ज्यादा है, इसीलिए क्या करता है क्लोरीन, ये जो शरीक गिरफ्ती बंद में के जो इलेक्ट्रॉन है अपनी तरफ क्या कर रहा है, इन्हें खींच रहा, अपनी तरफ खींचने से इसके ऊपर क्या आता जुजवी माइनस या जुजवी मनफी बार आ गया, क्योंकि इसके पास से इलेक्ट्रॉन चले जा रही, इसके पास क्या आ रहा जुजवी मुस्बित बार आ रहा, तो एक ही सालिमे में मनफी और मुस्बित तैयार हो गया, तो ऐसे सालिमे को क्या हो रहे हैं खुतबी सालिमा, ऐसे सालिमा जिसके अंदर मनफी बार और मुस्बित बार भी पाया जा रहा है उसको क्या बोल रहे हैं खुतबी सालिमा। तो ये खुतबी गैस किसमें सालिबल हो रही है, किसमें हल पजीर हो रही है, जो क्योंकि पोलार गैस है तो किसमें घुलना उन्हें पोलार सॉल्वेंट, तो पोलार सॉल्वेंट कौन सा है, जैसा कि अपना H2O, H2O में भी सेम, क्योंकि ऑक्सीजन की बरखी मनफियत ज्यादा है इसीलिए ऑक्सीजन क्या कर रही है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने से उसके ऊपर क्या आ रहा जुजवी मनफी बार आ रहा, क्योंकि हाइड्रोजन के पास से इलेक्ट्रॉन चले जा रहे हैं इसीलिए उसके पास क्या आया डेल्टा पॉजिटिव आया। तो अब यहां पर क्या है, ये दोनों के बीच में क्या हुआ, यहां पर क्यों घुल रहा है, यहां पर इसके और इसके बीच में इन्हें, ये भी खुतबी है और ये भी क्या है खुतबी है, तो खुतबी खुतबी गैस खुतबी मोहलिल में हल पजीर हो रही, क्योंकि एक लाइक डिजोल्व लाइक बोल के लाइक इसे हम क्या बोल रहे हैं लाइक डिजोल्व लाइक, जो जैसा है उसको वैसा उन्हें उसमें ही घुलना चाह रहा। उसे अगर हम देखें जैसा कि H2O है N2O है O2 है, ये सालिमात क्या है पूरे गैर खुतबी है, ये लोग क्या है गैर खुतबी है, क्योंकि ये लोगों के अंदर कोई खुतुब तैयार नहीं होता, ना डेल्टा पॉजिटिव आता ना डेल्टा नेगेटिव आता ये लोगों में, क्योंकि क्या है यार बरखी मनसियत में फर्क कुछ भी नहीं है ना, ये भी क्या है यहां पर सेम हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन जोहर, ये भी हाइड्रोजन जोहर, दोनों की मनफियत क्या है सेम है, इसी वजह से ना तो इस पे प्लस आ रहा ना तो इस पे माइनस आ रहा, इसीलिए क्या है गैर खुतबी है। तो ये लोग क्या है पानी में हलपजीर नहीं होते, किसी हद तक हलपजीर होते पानी में। ये क्या था फर्स्ट पॉइंट क्या था, गैस की नौयत क्या है यहां पर खुतबी गैस खुतबी मोहलिल में हलपजीर होती। नेक्स्ट सेकंड वाला क्या है तपिश, या फिर टेम्परेचर। अब टेम्परेचर से गैस की हल पसेरी क्या है, अगर टेम्परेचर हम बढ़ा रहे जैसा कि मान लो ये माया है, ये क्या है गैस है, माया है ये गैस है। अब ये गैस को माया में हल पजीर होना मतलब अगर हम तपिश में इजाफा करें, अगर तपिश बढ़ा रहे हैं तो क्या हो जा रहा, तपिश बढ़ाने से क्या हो रहा गैस की हल पजीर, गैस हल होने के बजाय क्या हो जा रही, वो हल नहीं हो रही, क्योंकि तपिश में तपिश बढ़ाने से क्या हो रहा गैस की हल पजीरी क्या हो जा रही घट जा रही। तो तपिश में इजाफे से गैस की हल पजेरी में कमी वाक़े होती है, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती कम हो जाती, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती वहां पर कम हो जाती। क्यों हो रहा है ये टेम्परेचर तपिश बढ़ाने से गैस की क्या है तवानाई बिल हरकत में क्या हो जा रहा इजाफा हो जा रहा, तवानाई बिल हरकत में इजाफा होने की वजह से उसकी हलपजीरी क्या हो जा रही वहां पर घट जा रही। और तीसरा है तीसरा वाला क्या है दबाव, दबाव का दबाव डालने से क्या हो जा रहा गैस में हलपजीरी क्या हो जा रही बढ़ जा रही, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
सॉल्युबिलिटी क्या है? दबाव किसके रास में तनासिब है? हल पजेरी के। अगर गैस के ऊपर अगर दबाव डालेंगे तो गैस क्या हो जा रही, वो पान मोहलिल में हलपजीर हो जा रही। तो गैस की हलपजीरी किसके रास, गैस की हलपजीरी किसके रास मुतनासिब है? उसके दबाव डाला गया दबाव के रास्त मुतनासिब है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए हेनरी ने अपना कुलिया पेश किया। हेनरी का कुलिया, हेनरी लॉ या फिर हेनरी का कुलिया क्या है? ये माया की सतह पर किसी भी गैस का जुज़वी दबाव इसमें मौजूद माया के कसरी मोल के रास्त मुतनासिब होता है। तो यहां पर क्या है, दबाव को मद्देनजर रखते हुए हेनरी ने अपना लॉ पेश किया या कुलिया पेश किया। क्या है? किसी भी गैस का जुज़वी दबाव किसके रास्त मुतनासिब है? उसके अंदर मौजूद, क्योंकि यहां पर पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी का वर्ड इस्तेमाल हुआ। सॉल्युबिलिटी मतलब क्या, किसको बोल रहे हैं सॉल्युबिलिटी या हलपजेरी किसको बोल रहे हैं? मुनहिल के तेदाद, मुनहिल का मोहलिल में घुलने का नाम क्या है? हलपजेरी है ना। जब मुनहिल का मोहलिल में जब घुल गया तो उसको नया टर्म क्या बोल रहे हैं, नया वर्ड क्या बोल रहे हैं? इर्तकासी बोल रहा है। मुनहिल का मोहलिल में घुलने का नाम ही क्या है? इर्तकास है। तो हेनरी क्या लिया, हलपजेरी को हलपजेरी या फिर इर्तकास, दोनों का माने यहां पर क्या है, सेम है। इसीलिए क्या करा, हलपजेरी के बजाय हेनरी ने क्या लिया, किस माया की सतह पर किसी भी गैस का जुज़वी दबाव किसमें मौजूद है, यहां पर कसरी मोल। हलपजेरी क्या है, हलपजेरी एक किस्म का इर्तकास, क्योंकि जब हलपजेरी का मतलब क्या है, मुनहिल जब मोहलिल में घुल जाएगा तो एक वो घुलने के अमल का नाम क्या है, इर्तकास है। तो इर्तकास यहां पर हेनरी क्या लिया, कसरी मोल लिया। कसरी मोल भी एक किस्म का क्या है, इर्तकास है। तो यहां पर क्या है, यहां पर कसरी मोल। तो क्या है, हेनरी का कुलिया क्या है, हेनरी क्या लिया यहां पर, किसी भी माया की सतह पर गैस का जुज़वी दबाव इसमें मौजूद माया के कसरी मोल के रास मुतनासिब है। तो यहां पर सपोज यहां पर ये माया है, ये माया है, सपोज ये गैस है, गैस के सालेमात है। तो यहां पर ये जो गैस का जुज़वी दबाव है किसके ऊपर पड़ रहा है दबाव, ये माया की सतह पर। ये क्या है, माया की सतह पर गैस का जुज़वी दबाव क्या है, यहां पर किसके रास मुतनासिब है, ये जो माया है, गैस है, ये गैस जब जुज़वी दबाव डालेंगे तो यहां पर ये गैस घुलेंगी ना अंदर, तो कितने सालेमात या कितनी तेदाद इसके अंदर घुली हुई है उसको क्या बोल रहे हैं, हलपजेरी या फिर कसरी मोल। जितना ज्यादा दबाव रहेगा उतने ज्यादा सालेमात क्या होंगे, इसके अंदर घुलेंगे। तो ये सालेमात का घुलना इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पर हलपजेरी है। तो हलपजेरी के बजाय हम क्या ले रहे हैं इस्तेमाल वर्ड, कसरी मोल ले रहे हैं। तो यहाँ पर क्या, पी रास मुतनासिब है किसके, कसरी मोल के। अगर दबाव ज्यादा रहेगा तो उसका क्या है, कसरी मोल भी ज्यादा होगा। ज्यादा दबाव डाले इसके ऊपर क्या है, अगर दबाव ज्यादा डाले तो यहाँ पर क्या हो जा रहा, ज्यादा सालेमात क्या हो जा रहे हैं, पानी में हल हो जा रहे हैं। ज्यादा सालेमात हल हो रहे हैं मतलब इसमें गैस का कसरी मोल क्या हो जा रहा है, इसके अंदर बढ़ जा रहा। तो जैसे जैसे दबाव बढ़ने से कसरी मोल में भी क्या हो जा रहा है, यहां पर इजाफा हो जा रहा। तो ये क्या है, हेनरी लॉ समझाया कि माया की जुज़वी दबाव किसके रास्त मुतनासिब है, कसरी मोल के रास्त मुतनासिब है। तो अब हम लोग ये वाकिफ है कि अगर ये प्रोपोर्शनैलिटी हटाना, ये प्रोपोर्शनैलिटी हटना बोले तो क्या लिखना पड़ता है हमारे को, एक कुछ तो भी एक कांस्टेंट P इज इक्वल टू के एच, एक कांस्टेंट लिखना पड़ता है। क्या है वो, H का मतलब क्या है, यहाँ पर हेनरी अपने नाम से H लगा लिए कि क्या है, ये हेनरी का कुलिया है। P इज इक्वल टू हेनरी की मसावत, क्या है ये, हेनरी की मसावत। P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स, ये क्या है, हेनरी का कुलिया, हेनरी का कुलिया है, ये हेनरी की मसावत है। अगर हम पी को मुस्तकिल कर दे, अगर हम पी को मुस्तकिल कर दें, तब अगर क्या है, पी की कीमत अगर यहां पर इसमें क्या है, पी इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स, अगर यहां पर पी क्या हो गया, मुस्तकिल हो गया, मुस्तकिल इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स, वही हो गया।
इसको अगर नीचे भेजे तो मुस्तकिल बाई के एच इज इक्वल टू एक्स। तो इससे हम लोग क्या अंदाजा लगा सकते हैं, ये क्या बन जाता है क्योंकि ये इज इक्वल टू है। अब ये इज इक्वल टू हटा के अगर प्रोपोर्शनलिटी लेना रहा तो क्या लिखते हैं यहां पर, वन बाई के एच डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स, यही हो गया। तो मतलब क्या है, अगर के कसरी मोल में इजाफा हो रहा तो के एच की वैल्यू क्या हो जा रही, घट जा रही। या फिर उसको ऐसा भी लिख सकते हैं के एच इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कसरी मोल, या ऐसा भी लिखो या ऐसा भी लिखो, मतलब दोनों का भी सेम। के एच में ये के एच क्या है, हेनरी का मुस्तकिल। के एच में इजाफे से कसरी मोल में क्या हो रही, कमी हो रही। कसरी मोल में कमी मतलब क्या है, हल पसेरी में भी क्या हो जा रही, वहां पर कमी हो जा रही। के एच में इजाफे से हल पसेरी में कमी आई, लेकिन हम जानते हैं अगर तपिश में इजाफा हुआ तब हल पसेरी में कमी वाक़े होती है, क्योंकि अगर तपिश में अगर इजाफा हो रहा तो हल पसेरी क्या हो जा रही, यहां पर कम हो जा रही ना। तपिश में इजाफे से हल पसेरी क्या हो जा रही, कम हो जा रही। तो क्योंकि यहां पर के एच, मान लो इसको इक्वेशन वन, इसको टू ले लो, वन एंड टू से क्या हुआ है, के एच वन बाई एक्स एंड टी वन बाई एक्स। के एच भी अगर के एच बढ़ रहा, एक्स क्या हो जा रहा, घट जा रहा। अगर टी बढ़ रहा, एक्स भी क्या हो जा रहा, घट जा रहा। तो ये दोनों मसावा, दोनों भी क्या है, हल पसेरी के माकूस मुतनासिब है। ये भी माकूस है, ये भी माकूस है। तो अब ये दोनों भी क्या हो जाते हैं, रास मुतनासिब। तो यहां पर क्या है, अगर तपिश में इजाफा हो जा रहा तो के एच की कीमत में भी क्या हो जा रहा, हेनरी की मुस्तकिल में भी क्या हो जा रहा, वहां पर इजाफा हो जा रहा। के एच टी की टी में अगर इजाफा हो जा रहा तो ये क्या था नेक्स्ट, के एच में भी इजाफा हो रहा। तो अब इसके बाद, अब इसकी क्या है, इसका ग्राफ किसका, यहां पर पी इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स। ये स्थान अपने पास इक्वेशन हेनरी का, हेनरी की मसावा। अब इसके ऊपर क्या है, इसका ग्राफ यहां पर एक्स महवर पे कसरी मोली ले लेंगे, वाई महवर पे क्या ले रहे हैं, दबाव या जुज़्वी दबाव। तो यहां पर ये जो तरसीम है ये किसके किसके बीच में है, जुज़्वी दबाव और कसरी मोल के दरमियान जो एक तरसीम है, जो ग्राफ खींच रहे हैं वो क्या हो जा रहा है, एक किससे कंपेयर कर रहा हूं ग्राफ को, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, या फिर इसको इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, या फिर डाल मक्तुआ शक्ल। किससे जाहिर कर रहे हैं यहां पर, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। तो यहां पर p की y की जगह में p आ गया, x की जगह में x है, m की जगह में क्या है के एक्स आया, c क्या है यहां पर कुछ भी नहीं है, C क्या है जीरो है, मतलब क्या इंटरसेप्ट क्या है जीरो है। तो यहां पर ये जो लाइन कहां से आती है, यहां पर जीरो से, ओरिजिन से, या फिर ये क्या है, इसको क्या बोल रहे हैं ओरिजिन, C जीरो है। तो ये क्या था यहां पर, y इज इक्वल टू एम एक्स सी प्लस सी का ग्राफ कैसे आ रहा, तो ये क्या है यहां पर इसका, m इज इक्वल टू के एच इज इक्वल टू ढाल। तो ये क्या था, ये हेनरी का कुलिया और हेनरी का ग्राफ ऐसा आता है। ये इतना हेनरी का टॉपिक था।